Liz Gibson. Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. जैसे कि बरसात के मौसम चल रहा है तो बरसात के मौसम के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ रही है। बरसात का मौसम हम लोग बहुत ज्यादा इंजॉय भी करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारा स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, हम लोग का हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना भी करना होता है। तो आप लोगों के साथ मैं कुछ सिंपल सा टिप्स शेयर करूंगी, होम रेमेडीज, जिससे यूज करने से आप लोग स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, स्टीमिंग। ह्यूमिडिटी के वजह से पोर्स क्लॉक हो जाते हैं, स्टीम लेने से पोर्स ओपन होता है, एक्स्ट्रा सीबम, डर्ट्स, ऑयल सारे चीज बाहर निकल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, एक्ने फ्री रहता है और स्किन बहुत ही ग्लो करते हैं। हफ्ते में 2 बार जरूर इसको ट्राई करें। टिप नंबर 2, एंटीऑक्सीडेंट एक्सफोलिएटिंग फेस पैक। इस पैक को रेडी करने में 1 चम्मच अनार के दाने, 1 चम्मच ओट्स एंड 1/2 टीस्पून हनी लगेगा। एंड इससे आपके स्किन का जो डेड सेल है बहुत अच्छे से रिमूव होगा एंड जो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी के वजह से स्किन जो इतना डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने में हेल्प मिलेगा। वीक में 2 से 3 बार इसको जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और लिक्विड वाटर से इसको रिमूव करें, 10 से 15 मिनट रखने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे स्किन कितना ज़्यादा क्लियर लग रहा है और ये बहुत अच्छे से स्किन का जो डेड सेल है अच्छे से रिमूव करता है, सनटैन को रिमूव करता है। मौसम के सीजन में बेस्ट है क्योंकि इसमें अनार के दाने हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है। इसको जरूर ट्राई कर कमेंट में बताइए। टिप नंबर 3, फिट केयर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बरसात के मौसम में लिक्विड वाटर में पिंक सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा बॉडी वॉश ऐड किया, थोड़ा सा आधा नींबू को मैंने ऐड किया है, पूरा भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद अच्छे से घिस लेना है, थोड़ा सा डिप करके रखना है और कोई भी टूथपेस्ट जो यूज नहीं करते उससे भी थोड़ा सा बॉडी वॉश लेके अच्छे से अब घिस घिस के पूरा क्लीन कर लिया। अब क्लीन वाटर से और एक बार क्लीन करना है, आप देख सकते फिट कितना क्लीन हो गया। इसके बाद ऑर्डिनरी का पिलिंग सॉल्यूशन यूज करेंगे जिससे डेड सेल रिमूव होगा, टैन रिमूव होगा, जो डलनेस है वो भी रिमूव होगा और आपके जो फिट है बहुत ही क्लियर दिखेंगे एंड टैन फ्री भी दिखेगा और बहुत ज्यादा ग्लो भी करेगा। 10 मिनट ही रखना है, हफ्ते में आप 1 दिन करें या फिर 10 दिन में 1 दिन, कितना ज्यादा क्लीन दिख रहा है मेरा पांव। अब मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, मॉइस्चराइजर तो मेरे पास था नहीं तो मैंने क्या किया, जॉनसन का बेबी ऑयल लगा लिया। आप लोग पर मॉइस्चराइजर ऑयल कुछ भी हो वो भी लगा सकते हैं। कॉटन का सॉक्स आप लोग वेयर करें, उससे आपका जो फिट है बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगा, मॉइस्चराइजर लॉक रहेगा एंड हैप्पी फिट। टिप नंबर 4, एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी के वजह से बरसात के टाइम पे हेयर बहुत ड्राई लगता है, बहुत ही डल लगता है, एकदम शाइनी नहीं रहता है। तो एवरी नाइट आपको थोड़ा सा क्रीम या फिर थोड़ा सा सीरम, कोई भी हाइड्रेशन क्रीम जो आपके हेयर को हाइड्रेट करे या फिर कोई भी सीरम जो आपके हेयर के अकॉर्डिंग सूट करे आप रोज़ अप्लाई करें। इससे आपके हेयर बहुत ही मैनेजेबल रहेगा, शाइनी रहेगा और आपके हेयर बहुत हेल्दी दिखेगा। टिप नंबर 5, हेल्दी डाइट लीजिए। बरसात के टाइम पे बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए, अपने बॉडी को हाइड्रेट करें और फास्ट फूड को इग्नोर करें। टिप नंबर 6, ऑयली स्किन। बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा चिपचिपापन, पिंपल, डलनेस हो जाता है, तो बारिश के मौसम में चाहे बाहर रहे या फिर घर के अंदर रहे, फेस ऑयल पेपर रिमूवर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक्स्ट्रा ऑयल को सोक करने में, आपको ऑयल फ्री स्किन रहता है। और आप देख सकते कितना ज्यादा ऑयल मेरा फेस से सोक किया है। और सबसे अच्छा बात है मेकअप रिमूव नहीं होता है, बहुत ही इजी है, ऑफिस के बैग में भी कैरी कर सकते हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं तो जींस के पॉकेट में भी यूज कर सकते हैं, छोटा सा पर्स में भी एंड गुड टू गो। नंबर 7, जैसे हमारे फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है बरसात के टाइम पे, एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी के वजह से हमारे हेयर भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल रहता है एंड हेयर में कोई भी वॉल्यूम नहीं रहता है। आप ड्राई शैम्पू ज़रूर यूज़ करें, इससे आपके हेयर बहुत ही रिफ्रेश रहता है क्योंकि हर रोज़ तो शैम्पू नहीं कर सकते हैं, तो कहीं पर भी बाहर जा रहे हो तब अपने हेयर पर ज़रूर आप ड्राई शैम्पू यूज़ करें। अच्छे से इसको स्प्रे करना है तो हल्का सा मसाज करना है एंड उसके बाद अच्छे से कोम करना है, उसके बाद आप कहीं पे भी जा सकते हो रिफ्रेश हेयर के साथ। टिप नंबर 8, बरसात के टाइम पे पॉलिएस्टर कपड़े पहना करें ताकि अगर आप भीग भी जाएंगे तो सी थ्रू नहीं होगा और आप
अनकंफर्टेबल नहीं होंगी। टिप नंबर 9, बरसात के टाइम पे बहुत ज्यादा स्कैल्प इची होता है, डैंड्रफ होता है एंड हेयर फॉल भी होता है, पर बरसात के टाइम पे मैं कोई भी हेयर मास्क नहीं लगाती, उससे कोल्ड कफ एंड फीवर हो सकता है, इसलिए एवरी नाइट मैं एलोवेरा को अपने स्कैल्प में मसाज करती हूँ, उसके बाद 10 से 15 मिनट छोड़ देती हूँ, उसके बाद ड्राई होने के बाद मैं उसको अच्छे से कोम कर लेती हूँ। इससे आपके हेयर फॉल नहीं होगा, डैंड्रफ नहीं होगा, इचीनेस चला जाएगा, आपके हेयर बहुत ही हेल्दी दिखेंगे, मैनेजेबल दिखेंगे एंड इसको आप एवरी नाइट को ही यूज करें। टिप नंबर 10, फुल कवरेज फाउंडेशन को स्किप करें, एक्स्ट्री ह्यूमिडिटी के वजह से स्टे नहीं करता है मेकअप, और कोई लाइट वेस्ट कंसीलर या फिर बेबी क्रीम यूज करें अपने स्किन के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप कोई भी कॉम्पैक्ट जो आपको सूट करे वो कॉम्पैक्ट को अच्छे से बेस बना लीजिए, बट कॉम्पैक्ट का जो एक्स्ट्रा जो पाउडर है इसको आप डैप डैप कर ले पहले, उसके बाद कोई भी ब्लश लगा लीजिए, चाहे लिक्विड या फिर क्रीम ब्लश, में बरसात के टाइम पे क्रीम ब्लश ही लगाना पसंद करती हूँ, उसके बाद कोई भी न्यूड लिप लाइनर को अच्छे से फिलर करना है और कोई भी आपका जो फेवरेट जो लिप बम है उसको यूज करना है, दैट्स इट। सिंपल सा मेकअप में ही आप बहुत अच्छा दिख सकते हो एंड यू गुड टू गो। टिप नंबर 11, एंटी ऑक्सीडेंट एक्सफोलिएटर, जो फेस के लिए हम लोगों ने रेडी किया था वही हम बॉडी के लिए भी यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा मेसी हो सकता है, इसको वॉशरूम में जाके यूज़ करें, नहाने से पहले इसको फुल बॉडी में अच्छे से लगा के मसाज करना है, 5 मिनट मसाज करें काफ़ी है, 10 मिनट करें तो और अच्छा है, उसके बाद धोने के बाद कितना क्लीन लग रहा है, क्योंकि डेड सेल रिमूव हो गया है, टैन रिमूव हो गया है, उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर बॉडी ऑयल अच्छे से आप अप्लाई करें, वीक में 2 से 3 दिन इस रूटीन को फॉलो करें। टिप नंबर 12, बरसात के टाइम पे कोल्ड कफ फीवर, बहुत ज़्यादा नाक से पानी बहना, ये सारे चीज़ होता है एंड सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं बना रही हूँ मैजिकल ड्रिंक कावा। कावा को बनाने के लिए गर्म पानी में जब कावा 1 चम्मच देने के बाद जब उबल आता है तो उसको 5 मिनट के लिए ढक के रखना है, उसको पूरा छानना नहीं है, पूरा मसाला जो भी है उसके साथ ही उसको पीना है, और आप अगर चाहो तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करो, मैंने आलमंड थोड़ा सा पीस के मैंने ऐड किया है, 1 चम्मच हानी। आ गई हूँ किचन से मेरा मैजिकल ड्रिंक कावा लेके। सो कावा के बारे में एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मेरा कुछ दिन से वैसे भी तबीयत खराब है, जस्ट एक और मिनट में आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये रहा मेरा प्रिस्क्रिप्शन, ये रहा मेरा मेडिसिन एंड यहाँ पे भी है मेरा मेडिसिन। तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी, नाक से पानी झड़ना, गले में जो एक खराटा खरखर जो होता है एंड बात मतलब थोड़ा सा भारी आवाज़ में बात मतलब नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा नाक में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है एंड मेरा थोड़ा सा चिड़चिड़ाबू मतलब जो बरसात के टाइम पे जो होता है ये सारी चीज़ हो रहा था एंड मैं बहुत टाइम से मतलब 10 से 15 दिन में बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, ब्लड टेस्ट भी मैंने किया है, डॉक्टर मैंने 2 बार इन दिनों में 15 दिन में मैंने 2 बार दिखा लिया, मेडिसिन में खा ही रही थी बट मतलब ठीक है, मतलब सही से ठीक नहीं हो पा रहा था। देन मैं कश्मीर जब गए थे जब गई थी तो मैं कावा लेके आई थी एंड मैं पूरा मतलब एकदम पूरा दिमाग से मेरा निकल गया। फिर मैं अम्मी से बात कर रही थी तो अम्मी मुझे बोल रही थी जो कावा लेके आई थी वो क्यों नहीं पी रही, मैंने बोला हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तो वो कावा मैंने फिर 7 दिन भी नहीं हुआ, 5 से 6 दिन हुआ होगा, मैं 2 टाइम करके पी रही हूँ एंड जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया है वैसे बना के मैं पी रही हूँ, और ये कावा पीने के बाद से मेरा गला इतना ज़्यादा ठीक हुआ है मेरा, देखो अभी सर्दी भी नहीं है और मैं बात भी आप लोगों से कर रही हूँ तो ठीक ठाक ही मेरा वॉइस निकल रहा है, थोड़ा सा डाउन है बट ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं ठीक हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो कावा पीने से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि अभी सब कोई फ्लू फीवर हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आप लोगों को कावा आप लोग अमेजोन में कश्मीर कावा आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी परचेस करके कावा को जैसे मैंने दिखाया है वैसे बना के थोड़ा सा जब आप लोग पियेंगे थोड़ा सा आलमंड ऊपर से डाल देंगे सो आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि कावा का जो फ्लेवर है, इतना सारा जो मसाला रहता है, कश्मीर का ओरिजिनल जो हर एक चीज रहता है, बस मजा आ जाता है, इतना ज्यादा। मैं पी रही हूँ शुगर फ्री,
आप लोग शुगर वाला भी ले सकते हैं, इसके दो टाइप आता है, एक शुगर फ्री आता है एक शुगर वाला। सो यस, मैं तो डाइट ज्यादा करती हूँ, सो आप लोगों को तो पता ही है। सो मैं इसलिए मैं शुगर फ्री पी रही हूँ। शुगर फ्री भी कावा मिलता है। सो आप लोग इसको दो टाइम करके पीजिए और आप लोगों को बहुत अच्छा नींद आएगी, आप लोगों को फीवर नहीं आएगा, सर्दी खांसी गले में जो खरखराहट सारे चीज चला जाएगा एंड बहुत ही हेल्प मिलेगा। एंड इसको पीने के बाद जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कितना अच्छा मतलब रिजल्ट मिला है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इस बरसात के टाइम पे ये बहुत ज्यादा फायदा देता है, सो इसको जरूर आप लोग ट्राई करना। एंड आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, एंड आज का वीडियो में जो सारे टिप्स मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। सो यस गाइस, आप लोग अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बहन को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए, दुआओं में याद रखिए। और आप लोग अच्छे से रहिए क्योंकि अभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रहा है। सो टेक केयर योर सेल्फ, बहुत सारा प्यार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड कुछ नहीं, बाय।